स्वागत है आपका मूव मीडिया में। आप सभी के साथ मैं हूं अपर्णा। बॉलीवुड में भूतों पर खूब फिल्में बनती हैं। कई फिल्में ऐसी हैं जो सुपर हिट भी रही हैं। आमतौर पर कुछ लोग भूतों पर भरोसा करते हैं तो कुछ नहीं, लेकिन कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने असल ज़िंदगी में आत्मा या भूत के मौजूद होने का एहसास किया है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आपको बताते हैं उन बॉलीवुड सेलेब्स के बारे में जो असल ज़िंदगी में कर चुके हैं भूत और आत्माओं का सामना। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बेदी की बेटी अलाया फर्नीचर वाला का नाम इस लिस्ट में हाल ही में जुड़ा है। अपने एक इंटरव्यू में अलाया ने अपने साथ हुए डरावने वाक्य को शेयर किया है। अलाया ने बताया था कि जब वो न्यूयॉर्क में रहकर पढ़ाई कर रही थी, उस दौरान उनके अपार्टमेंट में एक भूत रहता था। कमरे में उन्हें आधी रात को चलने की तेज़ आवाज़ सुनाई देती थी। कई बार तो बाथरूम का शावर खुद चलने लगता था। अलाया ने बताया कि उनके कमरे में उस समय कई डराने वाली चीज़ें हुआ करती थी। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर वरुण धवन का भी भूत से सामना हो चुका है। एक बार वरुण अपनी फिल्म ABCD2 की शूटिंग लास वेगस में कर रहे थे। जिस होटल में वो शूट कर रहे थे उसी में एक चर्चित सिंगर की मौत हुई थी, जिसके बाद कहा जाने लगा कि उनकी आत्मा होटल में भटक रही है। वरुण को भी देर रात होटल में गाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उनके कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल रहा था। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह का भी कहना है कि उन्हें भूत दिखा था। उन्हें फिल्म बाजीराव मस्तानी के सेट पर पेशवा बाजीराव की आत्मा दिखी थी। रणवीर के मुताबिक फिल्म के सेट पर एक ब्लैक कलर की दीवार थी जिस पर सफ़ेद धूल जम गई थी। उस धूल से महान मराठा पेशवा बाजीराव के जैसी छवि बन गई थी। एक्ट्रेस कृति सेनन भी असल ज़िंदगी में डरावने वाक्य का सामना कर चुकी हैं जब वो फिल्म दिलवाले की शूटिंग कर रही थी। कृति ने बताया था कि जब उनका मेकअप आर्टिस्ट उन्हें तैयार कर रहा था तो उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें धक्का दिया है। इतना ही नहीं, वहाँ रखी लोशन की बोतल अपने आप गिर गई। बोतल को उठाकर रखा गया तो वो दोबारा गिर गई। इमरान हाशमी कई डरावनी फिल्मों में काम कर चुके हैं, वहीं असल ज़िंदगी में भी उनका भूतों से सामना हो चुका है। जब इमरान माथेरान में हॉलीडे बिताने गए थे तो उस दौरान इमरान के साथ एक अजीब घटना घटी। वहां एक होटल में रुकने के दौरान इमरान को तेज़ कदमों की आहट और किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बासु कई हॉरर फिल्म्स का हिस्सा रह चुकी हैं। बिपाशा ने बताया था कि उन्होंने राज और गुनाह फिल्म की शूटिंग के दौरान कई बार डरावनी घटनाओं को देखा है। बिपाशा ने कहा था कि जिस होटल में वो राज की शूटिंग के लिए रुके थे वो हॉन्टेड था। कॉमेडी किंग गोविंदा के साथ भी एक रूह कांपने वाली ऐसी घटना हो चुकी है। गोविंदा एक फिल्म की शूटिंग के लिए हिल स्टेशन के होटल में रुके थे। वहाँ उन्हें ऐसा लगा कि कोई औरत उनके पास बैठी है, लेकिन जैसे ही गोविंदा ने लाइट ऑन किया तो वो साया गायब हो गया। आखिर में बात करेंगे सोहा अली खान की। सोहा अली खान ने भी ऐसी ही डरावनी गतिविधियों का अनुभव फिल्म गैंग ऑफ घोस्ट की शूटिंग के दौरान किया था। सोहा ने किसी के चिल्लाने की अजीब आवाज़ें सुनी थी जो कि खाली कमरों से आ रही थी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर के साथ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.